विधानसभा चुनाव रोज बनते और बिगड़ते समीकरण, आज इन समीकरणों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है बलरामपुर जिले में। मेरे साथ राजा राम गौतम जी हैं, पहले बसपा में रहे, मंडल कोऑर्डिनेटर थे, अभी जो है सपा में थे और अभी जो है इन्होंने लेटेस्ट भाजपा ज्वाइन किया है और भगवा धारण कर लिया है। बात करेंगे कि कैसे आस्था डिग गई या जो है आत्मा जग गई, क्या हुआ कि अचानक से रातों रात सपा से भाजपा ही हो गए, क्या हुआ सर? राजनीति में हमने जो देखा है कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए यूज करती है और यूज करने के बाद अलग कर देती है, और यही काम समाजवादी पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में जिस समाज और जात से मैं आता हूं, एक भी टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देने का काम नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी भारत के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति जी जैसे पद से माननीय रामनाथ कोविंद जी को बिठाया है, और प्रदेश में कई विधानसभाओं में चुनाव लड़ाने का भी काम कर रही है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और पूरा प्रयास है कि जिस जनपद से मैं हूँ उस जनपद की 4 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हो। आप देखिए, आप मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं बसपा में, सपा में भी आप कई फ्रंटल संगठनों में आपका हस्तक्षेप था, महासचिव थे, सचिव थे, अध्यक्ष रहे। क्या लगता है कि 4-5% वोट है कोली समाज का, 5% वोटों में कितना भाजपा को ट्रांसफर होगा? क्योंकि जो आपका वोट, ये जो वोटर होता है वो उसके तौर पे कहा जाता है कि ये जो है बसपा का वोटर रहा है। ये BSP का तो वोट शुरू में था, लेकिन जब ये समाज जगा और देखा कि राजनीतिक भागीदारी शून्य की जा रही है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी भागीदारी दे रही है, तो निश्चित तौर पर समाज आशा भरी नजरों से देख रहा है कि जहां हमको भागीदारी और सम्मान मिल रहा है वहीं रहना हमारे लिए ठीक है, और निश्चित तौर पर वो ट्रांसफर होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। बलरामपुर में 5% आबादी है, खुद जो पलटूराम जी हैं, जो उम्मीदवार हैं, राज्य मंत्री हैं, वो जो है खुद SC हैं। क्या लगता है कि इस बार फिर से कमल खिल सकेगा या जो है कुछ गड़बड़ हो सकती है? मैं बलरामपुर की महान जनता के बदौलत या भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय पलटूराम जी विजयी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे मेरे साथ राजा राम गौतम जी, जिन्होंने बताया कि पलटूराम जी के लिए जोर लगाएंगे और ताकत से उन्हें जिताएंगे और उन्हें सदन भेजेंगे। आने वाले समय में कैसे चीजें होंगी ये तो राजा राम गौतम जी ही जाने, लेकिन अभी इन्होंने सपा से भाजपा में अपनी आस्था प्रकट की है और देखा जाएगा कि क्या क्या होता है आगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं योगेंद्र त्रिपाठी पत्रकार न्यूज के लिए। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।